सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को ठहराया सही, खारिज की 58 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने सभी नियमों का किया पालन, अभी भी नोटबंदी को लेकर बाकी हैं कई सवालों के जवाब। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटबंदी को लेकर सरकार ने सभी नियमों का पालन किया है। 6 महीने तक सरकार और RBI के बीच इस मसले को लेकर बातचीत हुई और इसके बाद फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये तो साफ है कि सरकार ने ये फैसला अचानक से नहीं लिया था। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और सरकार के बीच सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। सरकार ने इसे साबित करने के लिए कोर्ट में कई दस्तावेज भी पेश किए हैं। यानी 6 महीनों के दौरान कई दौर की बातचीत के बाद सामूहिक तौर पर ये फैसला लिया गया था। हालांकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कोर्ट की सुनवाई में नहीं मिल पाए। इससे पहले ये सवाल जाने, आइए पहले मामला जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2016 में 8 नवंबर की रात 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया था। उन सभी सवालों को अब जान लेते हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। पहला, क्या नोटबंदी के ऐलान के बाद होने वाली अव्यवस्था को लेकर कोई जानकारी थी या कोई तैयारी थी? कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश किए गए हलफनामे से ये साफ हो गया कि इसके लिए लंबे समय से सरकार और RBI की बातचीत चल रही थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने अचानक हुई नोटबंदी के बाद के हालात को लेकर कुछ सोचा था? अगर हाँ तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी, अगर नहीं तो क्यों नहीं? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसके बाद होने वाली अव्यवस्थाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? दूसरा, बैंक ATM से जुड़े प्रबंधन के बारे में क्या तैयारी थी? ये देश का सबसे बड़ा फैसला था, हर कोई इससे जुड़ा था। ऐसे में ये तय था कि अचानक होने वाले इस फैसले से बैंकों और ATM के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, पूरे देश में भगदड़ की स्थिति होगी। ऐसे में क्या सरकार ने बैंकों और ATM के बाहर लगने वाली लाइनों के बारे में सोचा था? तीसरा, नए नोटों को लेकर क्या तैयारी? 500 और 1000 के पुराने नोटों के बदले सरकार ने 2000 के नोट जारी किए थे। जब ये नोट लॉन्च हुए तो ATM के कैश बॉक्स में उन 2000 नोटों का साइज नहीं था। चौथा, क्या नकली नोटों का कारोबार और आतंकियों की फंडिंग बंद हो गई? सरकार ने नोटबंदी के बाद ये तर्क दिया था कि इससे काला धन रखने वालों को नुकसान होगा, नकली नोटों का कारोबार भी बंद हो जाएगा और आतंकवादियों की फंडिंग भी रुक जाएगी। अब नोटबंदी के 7 साल बाद ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये सब कुछ बंद हो गया? अब बाजारों में नकली नोटों का कारोबार नहीं होता और आतंकियों की फंडिंग भी रुक गई। क्या काला धन अब नहीं रखा जा रहा है? यही कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी है। अब आपका क्या सोचना है इस रिपोर्ट पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।